लगभग पहले भी आपने वोट किया था 19 में, किसे किया था? बीजेपी को। इस बार किसे करेंगे? मैं रामनाथ अग्रवाल जी को वोट करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे उन्हें वोट करने की? मुद्दे ये रहेंगे, सबसे पहले मेरी बात ये है, योगी मोदी से बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। हमें ना तो बीजेपी से प्रॉब्लम है ना ही कांग्रेस से। मैं बीजेपी का हमेशा सपोर्टर रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे कि आप सरकार केंद्र में किसकी चाह रहे हैं? सरकार तो देखो शायद मोदी की बनेगी, और बन जाए कोई समस्या नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जैसे केंद्र में सरकार मोदी की यानी भाजपा बन जाए और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी सांसद बन जाए तो विकास हो पाएगा? अरे अपनी विधायक सांसद निधि तो लगाएगा। 2019 में आपने किस पार्टी को वोट किया था? जय देंगे। किसको? भाजपा। भाजपा को। और 2024 में किसे देंगे? 2024 में देखो किसे देते, पैसे को नहीं देंगे। मतलब भाजपा को नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, क्या वजह है? दंगे जोने के जाने 5 साल में कुछ छेते हो जाते ना देंगे। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको बताइए कि इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनावों की धूम मची हुई है, चारों ही तरफ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और हमारा भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंचकर उनके मन की बात जानने की, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है पूरे भारत में किसी भी अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो अधिकतर पेचीदा मुकाबला इस बार हर जगह देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत होती चली आई है, लेकिन इस बार यहाँ के समीकरण कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चहार, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके विरोध में फतेहपुर सीकरी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे इस बार निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी है और उनकी कोशिश है कि इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। साथ ही इनके अलावा जो 2 अन्य विपक्षी दल हैं, जैसे कि बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से यहां पर रामनाथ सिकरवार हैं, वो भी इस बार मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। और चौथी पार्टी है यहां पर बसपा, बसपा से यहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी चौथी बार उतरे हैं और उनका नाम है पंडित रामनिवास शर्मा। हालांकि ये पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार जनता इस बार किन मुद्दों पर किस पार्टी के नेता को वोट करेगी, सारी बातें जानने के लिए समय हम ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं और बात करते हैं। जी चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? तो केंद्र में सरकार तो मोदी जी की बनेगी, पर खिलाफ यहाँ राजकुमार चार से फतेहपुर सीकरी में आए नहीं है, कोई विकास नहीं किया है, कोई गांव क्षेत्र हो सकता नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं कराया है, तो काम देखो ही ना है, न किसी के फोन उठावे, न किसी की मदद में, धोखे में, सुखों में, काऊ में, कैसे आयो ना है, आते नहीं है, इसी वजह से नाराजगी है। नाराज है पूरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा, तो इनकी नाराजगी जाहिर करते हुए, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी को इस बार आप वोट नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी के अलावा फिर किसको वोट देंगे? देखो को जाए को हरा बताए वोट देंगे, बीजेपी जो हरा बताए वोट में। अच्छा, यानी कि अब के तुमने ठान लिया है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेंगे, चाहे कोई भी हराए, कोई भी हरा, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की चाहती है। अच्छा, बीजेपी की जो, जैसे कि चलो लोकसभा फतेहपुर सीकरी की बात छोड़ दें, तो बीजेपी के द्वारा लगभग 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल हो चुका है, 2 बार केंद्र में सरकार बनाई है, मोदी जी के नेतृत्व में वो यहाँ पर भारत में अपना शासन चला रहे हैं, तो मोदी जी की जो पॉलिसी है उनसे आप संतुष्ट हैं? सही है, मोदी जी कोई कमी ना है, पर ये टिकट गलत दे दी जाए। रोजगार दे रही है बीजेपी सरकार? हाँ दे रही है रोजगार, से आप जी दे रही है, अपन बढ़िया काम कर रही है बीजेपी, पर ये के बच्चा जो पढ़े लिखे डोल मेरे का चुना दे रही, तो फिर कहाँ है रोजगार? आप कह रहे हैं कि दे रही है, रोजगार कहाँ है? बिल्कुल ना दे रही, पढ़े लिखे तमाम बच्चा डोल रहे हैं, मेरे का कोई रोजगार ना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये इनका कहना है कि बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी में सांसद बीजेपी का नहीं चाह रहे हैं। जी क्या नाम है? दलेल जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार केंद्र में बनती हुई नजर आ रही है आपको? केंद्र में तो खैर बीजेपी की बनेगी, पर यहाँ ना आ रही। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में यहाँ बीजेपी नहीं जीत रही है? नहीं जीत रही। क्यों नहीं जीत रही है, क्या वजह है? नहीं जीत रही है, ये सभी कारण जाके विपक्षी हैं। एक तो राजकुमार चाहते से तो नाराजगी है, दूसरी बात यहाँ को अब बीजेपी को वैसे नेता सुना दिया कोई ना है, तो चाहते हो तो जी कह रहे हैं बस जी जीतेगी। तो बीजेपी अब तो सभी जितने भी क्षेत्रीय नेता सभी बीजेपी में आ गए, अब तो आप कह रहे हैं कि नेता आवे पर संतुष्ट ना राम जाते। अच्छा, राजकुमार थे बस। 2019 में किसको वोट दिया था आपने? यही दे बीजेपी। और अब किसे देंगे? अब नहीं देंगे। किसे देंगे अब? अब रामनिवास से दें या भाई देंगे, दूसरी पार्टी का।
लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे, तो अभी ठाना नहीं है कि कैसे देना है। अब भाई ना ठानो, वो तो मौके पे देखेंगे। माहौल देख रहे हैं अभी, माहौल देख रहे हैं, यानी कि ये देख रहे हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, कौन हरा रहा है, उसे ही देंगे, है ना। राजकुमार कौन हरा रहा है, बीजेपी ने राजकुमार कौन हरा रहा है, उसे देंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर, उन्हें कौन हरा रहा है उसी कैंडिडेट को ये वोट करेंगे। और भी यहाँ पर युवा साथी भी हैं इस बार के मतदान में, युवाओं का भी काफ़ी, युवाओं की काफ़ी भागीदारी है, उनसे भी बात करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? चंद्रसेन सिंह। क्या लग रहा है इस बार 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? शायद मोदी की बन जाए। मोदी की बन जाए, कंफर्म नहीं कह सकते। नहीं। 2019 में किसे वोट किया था आपने? नहीं, 2000 में मैंने नहीं डाला था। 19 में वोट नहीं डाला। 14 में? नहीं, 14 में भी नहीं डाला। तो इस बार भी नहीं डालेंगे? नहीं, इस बार डालेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल डालेंगे, डलवाएंगे भी। डलवाएंगे बिल्कुल। तो किस पार्टी के नेता को आप यहाँ से सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे? एक्स आर्मी में ठाकुर रामनाथ सिंह सिकरवार। सिकरवार, सिकरवार से आप क्या उम्मीद रखते हैं और किन मुद्दों को देखकर आप रामनाथ सिकरवार यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे? नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तुरंत फोन उठाते हैं, कोई काम हो तुरंत लोगों के साथ जाते हैं। वो दलाली नहीं करते हैं लोगों से, वो दलाली नहीं करते हैं, वो अपना विकास नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें जनता का विकास चाहिए, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल। और जो आप दलाली की बात कर रहे हैं, तो दलाली कौन नेता करता है? दलाली तो ये, और दलाली हुई है 5 साल में, दलाली करके ही तो इतना धन इकट्ठा कर लिया। अच्छा। मैंने अभी वर्तमान सांसद का लफनामा देखा, वो उनकी 1 करोड़ की संपत्ति थी, अभी 5 करोड़ की हो गई, 5 गुनी संपत्ति खुद की है उनने। गांव में तो हमारे कहीं बोर्ड भी नहीं लग रहा है उनका, कहीं कोई नाली नहीं बनवाई है, खरंजा तो कोई विकास नहीं। अरे गलती से भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। तो यही नाराजगी है बहुत ज्यादा। तो पिछली 2 बार आपने किसी भी कार्ड वोट नहीं किया, लेकिन इस बार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कराएंगे भी 100% रामनाथ सिकरवार के फेवर में। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे कि आप सरकार केंद्र में किसकी चाह रहे हैं? सरकार तो देखो शायद मोदी की बनेगी और बन जाए, कोई समस्या नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जैसे केंद्र में सरकार मोदी की यानी भाजपा बन जाए और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी सांसद बन जाए, तो विकास हो पाएगा? अरे अपनी विधायक सांसद निधि तो लगाएगा, ये तो नहीं है कि वो ऑडी और फॉर्चूनर खरीदेगा। जो निधि का पैसा आएगा उससे विकास तो कराएगा। आदमी सन्यासी आदमी है, मंदिर पे रहता है, गाड़ी में खाना पीना साथ रखता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जनता की सेवा करनी है बस, यानी उम्मीद है आपसे बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 साल के कार्यकाल की, तो रोजगार के मामले में क्या कहना चाहोगे सर? रोजगार में तो फेल ही है, जीरो है, रोजगार देती नहीं है वो। एक इन्होंने युवाओं के लिए, आपने भी अपने जब आपकी एज होगी उस समय सरकारी नौकरियों की तैयारी की होगी, और लगभग देहात में ज़्यादा से ज़्यादा जो पहली सोच रहती है फौज में भर्ती होगी देश की सेवा करने की, अग्निपथ योजना के बारे में आपका क्या कहना? अग्निवीर वो तो खा गए, युवाओं का भविष्य खा गए। 4 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, ये अभी 73 साल में रिटायरमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ये मौका मांग रहे हैं नेता लोग, जो मोदी जी मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ 73 साल का बुजुर्ग आदमी कह रहा है एक बार फिर मुझे दो है, 22 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा, उसे रिटायरमेंट दे दिया, तुम घर बैठो। अच्छा, देखो कैसी बढ़िया पॉलिसी चलाई है। अच्छा, बीजेपी एक और मुद्दा बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रख रही है कि बीजेपी कह रही है कि 500 वर्षों से जो काम होना था वो हमने अपने 10 साल के कार्यकाल जैसे ही हमारा हुआ है उस समय हमने कर दिया। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती थी, अब उसने राम मंदिर भी बनवा दिया, इस बारे में क्या कहना? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करते तो न किसी की कोई हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं थी। वो ये कहते हैं कि पैरवी हमने की है ना? ना पैरवी तो की है, अच्छी बात है, पैरवी की है, वोट नहीं लिए उनने, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब आंखों में शर्म आ गई तो बन गया, अच्छी बात है। हर बार आप कब तक एक एजेंडा को लेके घूमेंगे? 370 के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो अच्छा काम किया, वो तो अच्छा किया, उससे आप सहमत हैं? अच्छा, बीजेपी की अगर आपको 2 या 3 उपलब्धि अगर गिनानी हो तो क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी नज़र में बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने राम मंदिर में सहयोग किया है बनवाने में, अच्छी बात है, और कश्मीर से 370 हटाई है, अच्छी बात है, और जो कश्मीर को जो अलग से राज्य का दर्जा था वो खत्म किया है, वो बहुत अच्छी बात है, यही काफी। और 3 कमियां अगर बीजेपी की देखी जाए? कमियां तो रोजगार खा गई, और ये अग्निवीर और लड़के दौड़ने नहीं जाते हैं, रेस काला कहाँ 4 साल में, इतने के तो बादाम छुआरे खा जाएंगे जितने पैसा मिलेंगे, इसलिए तो लोगों के साथ तो खिलवाड़ किया है, नए नए लड़कों के साथ। तो आप मतलब कि फतेहपुर सीकरी में चाहते हैं कांग्रेस का नेता जो रामनाथ से करवा रहा है, तो पर्सनल रामनवा ऐसा है कि हम फतेहपुर सीकरी चाहते, जमीन से जुड़ा हुआ नेता रामनाथ से करवा, हाँ जैसे वो है, हाँ लेकिन ये तो है नहीं, और नेता नहीं है, घर बैठे होते हैं, लोग जाते हैं तो बोल देते हैं कि है ही नहीं।
अच्छा, जमीन से जुड़े हुए और नेता नहीं है चुनाव मैदान में? नहीं, अभी तो नहीं नजर आ रहा कोई। कोई भी नहीं आ रहा रामनाथ के अलावा? टक्कर पे भी नहीं है कोई, रामनाथ ही टक्कर पे भी नहीं। हकीकत यही है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि केंद्र में तो भले ही मोदी सरकार बन जाए, लेकिन फतेहपुर सीकरी में जो जमीन से जुड़े हुए बता रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सकरवार को, उन्हें ये वोट करेंगे और उन्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जी, युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उदय सिंह है सर। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 28 साल हो गई। 28, तो लगभग पहले भी आपने वोट किया था 19 में। किसे किया था? बीजेपी को। इस बार किसे करेंगे? मैं रामनाथ सकरवार जी को वोट करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे उन्हें वोट करने के? मुद्दे ये रहेंगे, सबसे पहले मेरी बात ये है, योगी मोदी से बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। हमें ना तो बीजेपी से प्रॉब्लम है ना ही कांग्रेस से। मैं बीजेपी का हमेशा सपोर्टर रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमें अपने यहाँ सांसद जो चाहिए, जो हम जाएँ हमारी सुने, थोड़ी अपनी कहें, थोड़े हमसे लगाव रखें। राजकुमार जी, जब से वोट किया है मैंने उसी टाइम देखा था उनको, फिर कभी गाँव में दोबारा देखा नहीं। कभी मिलने भी जाते हैं तो सर जी यहाँ पर है नहीं। तो हमें तो वो बंदा चाहिए जो कि हमारी भी सुने थोड़ा। जी बिल्कुल। और केंद्र में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं? फिर से मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी, जी। यानी केंद्र में बीजेपी आए और यहाँ से, लेकिन बीजेपी को नहीं जिताना चाह रहे हैं? और बीजेपी को नहीं हरा रहा मैं, सिर्फ सांसद राजकुमार जी को हरा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी। हाँ, अगर रामनाथ जी अगर बीजेपी से भी होते तो मैं भी वोट बीजेपी को ही करता फिर भी। अच्छा जी सर, यानी कि प्रत्याशी से दिक्कत है? प्रत्याशी से दिक्कत है। जैसे अब आप चाह रहे हैं कि सरकार दोबारा तीसरी बार केंद्र में बने भाजपा, अब क्या अपेक्षाएं रखना चाह रहे हैं आप बीजेपी से? अपेक्षाएं यही हैं, थोड़ा युवाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जैसे अग्निवीर ये लागू किया था, फिर से कोई ऐसा आर्टिकल बनाए कि युवाओं के लिए थोड़ा सराहनीय कार्य हो, रोजगार मिले। हाँ, और ये अग्निवीर स्कीम है, इसे रद्द कराए ना ये चाह रहे हैं? तो नहीं करे, उन्होंने पारित कर दिया है, तो रद्द करना एक बड़ी बात है, और चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन युवाओं के बारे में थोड़ा सोचा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, रोजगार के मसले में। जी सर। जी बिल्कुल। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, सबसे बात करेंगे और ये तो हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? दुरंग सिंह। कितनी उम्र हो गई? 90 वर्ष की उम्र हो गई। तो आपने तो बहुत सारे शासन देख लिए होंगे अभी तक, तो जैसे कि ओवरऑल बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, लगभग 10 साल से ये पार्टी राज कर रही है भारत में, तो इनकी कार्यशैली आप सुनते होंगे, हालांकि एक्टिव तो आप ज़्यादा नहीं रहते होंगे राजनीति में, लेकिन सुनते होंगे। अच्छा, प्रधान भी रहे तो यानी कि राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है? सरकार तो बन सकती है। अच्छा, चांसेस लग रहे हैं? लेकिन राम जी, 4 देशों सांसद नहीं हो तो बढ़िया है, तो आज तक कोई भय ही ना आया। अच्छा, हाँ, पहला वो है सांसद। ऐसा क्या परेशानी है ऐसे सांसद? गांव देखो ही ना है। अच्छा, और यहाँ देख रहे हो बाकी, डायरी चेक करो जो गांव में एक आध ना आया होगा। अच्छा, आते हा? नहीं है हा? इस वजह से नाराजगी है। और का तो वोट तो करते होंगे हर बार आप? पक्षपात में होते है, पक्षपात करते हैं। अच्छा, जाटवाद, एक कांड हमारे गांव को जनू था को, शायद वो FIR हो वही गाँव में, और वो लड़की एक ऐसे रिश्तेदारी में आ जाइए और तुम्हारी कचोरी की जा उल्टी तरफ जनूथा के बीच में पकड़ ली, वो वापस चाकू फाकू पकड़े गए, बाकी मारवे की वो है गई, तो बोले कि ने दमदा रही और तोम रही वैसे, तो वहाँ ने खूब लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद FIR भई और कुछ नहीं, वो लड़का छूट गया। यानी पक्षपात की राजनीति करते हैं। तो इस बार 2019 में किसको वोट दिया था आपने? हम तो भाजपा ही देते रहे 2019 में, और इस बार किसे देंगे? इस बार तो तुम समझ लो कौन देंगे, हम कैसे समझ ले बताना पड़ेगा आपको। चार है नहीं देंगे। अच्छा, चार को नहीं देंगे तो किसे देंगे? जी भविष्य बताएगा। भविष्य नहीं, सोच तो लिया होगा आपने, ऐसी बात नहीं है, सोच तो लिया है। रावे को भाई देंगे। अच्छा, यानी कि जो इस बार राजकुमार चार को हराएगा उसे करेंगे? लड़ाई है हमारी भाजपा से, लड़ाई नहीं है। अच्छा, माहौल देख रहे हैं तो अभी लगभग, वैसे तो अभी जिस दिन मतदान होगा अभी 15 दिन का समय है लगभग, अभी तक के माहौल में अगर आपने देखा या समझा होगा तो क्या लग रहा है किसकी टक्कर है इस बार? बराबर टक्कर में कौन है? जो चार की तो सब मना ही कर रहे हैं। नहीं, चार की मना कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चार को कौन हराता हुआ जरा दिख रहा है? कौन हरा रहा है चार को? की सुन रहे हैं तो। किसकी? की रामनाथ की। रामनाथ सकरवार लग रहे हैं कि इस बार टक्कर में और वो हरा सकते हैं, है ना? तो आप भी इस बार रामनाथ को ही वोट देंगे? रामनाथ को ही देंगे। वैसे आप बीजेपी के समर्थक हैं, केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं?
केंद्र में तो भाजपा ही चाहते हैं। भाजपा ही चाहते हैं ना जी, बिल्कुल। अधिकतर सभी का ये कहना है कि बीजेपी से बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। जी क्या लग रहा है इस बार? नहीं बढ़िया बात है, सब लोग कर सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया बात है भाई। केंद्र में बीजेपी को चाह रहे हैं, अच्छी बात है कि विदेशों में गुडविल बने। आप किसे चाह रहे हैं केंद्र में? केंद्र में सभी चाह रहे हैं ना, हम भी चाह रहे हैं और भी लोग चाह रहे हैं बीजेपी में केंद्र में छवि बने, बाहर विदेशों में छवि बने, गुडविल बने, विदेशों में अपनी साख बने, तो सभी चाहते हैं सब। और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार भी बढ़िया नेता थे पहले, किंतु जब पद मिल गया तो थोड़ा अहंकार में आकर के पब्लिक को भूल चुके हैं बस, और कुछ बात नहीं है। नाराजगी है? पहले नहीं, पहले जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे, पहले 5 साल पहले जब चुनाव हारते थे तो बार बार पब्लिक से मिले थे, चुनाव बार बार जब चुनाव जीत गए तो अहम मिल गया। यानी 2019 में आपने किसे वोट किया था? बीजेपी को ही किया है, राजकुमार जी को ही। अच्छा, और इस बार किसे करेंगे? इस बार की नहीं कह सकते, तो गोपनीय बात है, अपना मतदान मत के अंतर होता है, अभी नहीं बता रहे। अच्छा माहौल, जैसे चलिए आप अपना मत बताइए, माहौल कैसा दिख रहा है आपको इस बार? अभी देखिएगा माहौल, अभी 15 दिन तो इधर से उधर काफी हो जाते हैं, राजनीति तो काफी बदल जाती है ना, अभी तो किसी की रैली होगी, कभी योगी जी की होगी, कभी किसी की रैली होगी, तो अपने योगी जी की हो गई कल करावली में हो गई, उसके बाद बहुत ज्यादा जनसैलाब देखने को हो सकती है, मायावती जी की भी हो सकती है, किसका बहुमत आएगा प्रचंड, जो बहुमत दिखेगा। कल जो योगी जी की रैली हुई है उसमें बहुत जनसैलाब आया था, जनसैलाब आया था, उसमें हमने ये भी सुना है कि 500-500 रुपए में लड़कों को पकड़ करके उसमें एडमिट किया गया कि लो 500 रुपए लो और बैठो यहाँ। अच्छा। हाँ, राजस्थान से भी लाया करके उनको बैठा लगा गया यूपी में, ये भी हमने सुना है, हमने देखा नहीं है किसी को 500 रुपए देखते हुए। अच्छा। ये सुना है 500 रुपए लिए और बैठो इस गाड़ी में, बस में बैठो 500 रुपए लो, ऐसा नहीं हो सकता है जी, हमने सुना है, हमने कानों से आंखों से नहीं देखा है। तो जैसे कि आप बीजेपी के तो समर्थक हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी ऐसे भीड़ बुलाती है? अरे बीजेपी नहीं बुलाती है, बीजेपी के जो फील्ड में घूमने वाले हैं अपनी गुडविल बनाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनको दिखाने के लिए तो उनको करना पड़ेगा कुछ, शीर्ष नेताओं को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं बीजेपी के नेता। भीड़ कम होगी तो उनकी बेइज्जती नहीं होगी, उनकी टिकट रद्द हो सकती है, इसलिए उन्हें करना पड़ेगा ऐसा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार वाकई में यहाँ पर पेचीदा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, रामनाथ जी का और उनका मुकाबला टक्कर का है। अच्छा, रामनाथ जी आपको टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, बाकी के जो दो अन्य उम्मीदवार हैं उन रामनिवास जी भी हो सकते हैं, मायावती जी की रैली आए उससे ब्राह्मण किधर जुड़ जाते हैं, ब्राह्मण यदि बसपा की तरफ जुड़ जाते हैं तो उसका भी एक नया रूप आ जाएगा राजनीति का। अच्छा, ब्राह्मण यदि बसपा की तरफ जुड़ जाते हैं तो राजनीति एक नया रूप ले लेगी और वो रामनाथ को भी टक्कर देने के लिए समर्थ होंगे। यानी कि अगर ब्राह्मण जो जाति के आंकड़े देखे जाए दूसरे नंबर पे लोकसभा में, अगर वो रामनिवास जी की तरफ चले जाते हैं तो और पेचीदा मुकाबला हो जाएगा और रामनिवास टक्कर में आ जाएंगे, तीनों बराबर टक्कर से हो जाएंगे, फिर तो फ्यूचर इन डार्क। अच्छा, एक चौथे उम्मीदवार हैं जनता के उम्मीदवार के नाम से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और वर्तमान विधायक के पुत्र हैं, रामेश्वर चौधरी निर्दलीय इस बार उम्मीदवार बने हैं, वो भी काफी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे, भरपूर प्रशंसा करेंगे। यदि राजकुमारी जी गए पे, यदि रामेश्वर जी होते तो उन्हें प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती और बड़े द्वंद से जीत जाती। अच्छा जी हाँ, तो हालांकि उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया है, कोशिश तो उन्होंने की थी लेकिन फिर भी जनता के कहने पर मैदान में आ गए, तो क्या लग रहा है? काफी प्रयास में रहेंगे, मतलब प्रयास में रहेंगे, पर ज्यादा ये है कि उनके पास केंद्रीय कोई नेता ऐसा नहीं है जो आकर के पब्लिक पर दबाव बनाए, केवल उनके पिताजी हैं बाबूलाल जी, अब वो भी पार्टी के नाते दबे दबे उनका प्रचार कर सकते हैं, खुले में वो भी नहीं कर सकते। यानी उनके पास स्टार प्रचारक नहीं है कोई, स्टार प्रचारक लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मेरी जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है, जनता ने तो उनके पिताजी को जिताया था, अजीत सिंह को जाकर दिल्ली में हला दिया था, अजीत सिंह ने उनको टिकट नहीं दी थी लोकल से, तो जाकर के उन्होंने निर्दलीय लड़कर के 30,000 वोट जिता करके उनको दिखा दिया कि हाँ हम छोटे मंत्री कहते थे उन्हें, छोटे चौधरी के नाम से बाबूलाल जी प्रसिद्ध हैं। तो बीजेपी से और क्या अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे केंद्र में तीसरी बार सरकार बनती है तो क्या अपेक्षाएं रखेंगे? तो ये रखेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उम्मीद रखेंगे हमसे, हिंदू राष्ट्र घोषित हो हमारा और जी अग्निवीरों की जो समस्या उनको वापस किया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये तीन आपकी अपेक्षाएं अब तीसरे कार्यकाल में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।